साई की बात। बच्चे, तेरे जिंदगी में ना जहर घोलने वालों की कमी नहीं है मेरे बच्चे। तेरे जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जहर घोलने का काम करते हैं, जो तुझे कभी खुश देख कर ना खुश होते ही नहीं है, क्योंकि वो तुमसे हमेशा ईर्ष्या करते आए हैं। हमेशा पहले दिन से तुमसे ईर्ष्या करते आए हैं, लेकिन तुम ना परेशान मत होना। वो ईर्ष्या करते जाएंगे ना तो वो अपना ही नुकसान करेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा तो उनका जाएगा। जलेंगे तो वो जलेंगे मेरे बच्चे, लेकिन तुम उन्नति के रास्तों पर बढ़ते चले जाओगे, सफलता तुम्हें प्राप्त होती जाएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा सच्चा मन और पवित्र दिल तुम्हें आगे बढ़ा रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारा विकास हो रहा है तुम्हारे साई के आशीर्वाद से, और तुम्हें बहुत कुछ आगे मिलेगा मेरे बच्चे। नए नए प्रस्ताव तुम्हारे आगे आएंगे, नई नई चीज़ें आएंगी, नए नए मौके आएंगे जिसे तुम्हें लेना है मेरे बच्चे। और ज़िंदगी में ना कभी हार नहीं माननी, और किसी मौके को छोड़ना नहीं है तुमने। जो मौका मिले ना उसे ले लेना, ये समझना कि वो मौका तुम्हारे साई ने तुम्हें दिया है। और सुनो, तुम्हारी नौकरी में स्थानांतरण हो रहा है ना, तो वो होगा मेरे बच्चे, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा अच्छी जगह है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा यहाँ पर मन लग गया है, लेकिन जब मेरे बच्चे उन्नति होती है ना, जब आगे बढ़ोतरी होती है, तो आगे बढ़ना होता है। एक जगह अपने मन को स्थिर करके मत रखो, अपने आप को ना आगे आगे से आगे बढ़ाते चलो। मैं तो तुम्हें पूरी दुनिया घुमाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हर एक शहर हर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इस बहाने मेरे बच्चे तुम्हें ज़िंदगी में ना बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, बहुत सारा मेरा प्यार मिलेगा। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि रास्ते बंद हो चुके हैं? नहीं, रास्ते तो खुल रहे हैं मेरे बच्चे, रास्ते खुल रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए तो मैं एक विशेष दरवाज़ा खोलूँगा। उस विशेष दरवाजे के अंदर ना वही प्रवेश कर सकता है जिस पर साईं की कृपा हो, जिस पर तुम्हारे साईं का आशीर्वाद हो। और तुम पर ना मेरे बच्चे मेरी विशेष कृपा है, विशेष आशीर्वाद है मेरे बच्चे। और तुम उस दरवाजे में प्रवेश कर अपनी सारी इच्छाएं पूरी करोगे मेरे बच्चे, सारी इच्छाएं। और सुनो, कुछ अपने बच्चों को ना मैं स्वप्न में पूरा शिरडी घुमाऊंगा, ये वाला शिरडी नहीं, पुराना वाला शिरडी। मैं कहाँ बैठता था, कहाँ जाता था, किससे बात करता था, किसके घर में भिक्षा लेने जाता था, वो सब तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारा हाथ पकड़कर। तुम देखना मेरे बच्चे, मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन दूंगा, और स्वप्न दर्शन में ना पूरा शिरडी घुमाऊंगा, और तुम देखना, तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे कि ये क्या से क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। लेकिन होगा मेरे बच्चे, होगा। और सुनो, जब भी तुम नारायण को याद करते हो ना, तो नारायण तुम्हारे साथ ही होते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि जब मेरा बच्चा मुझे पुकारता है ना, मैं उसी वक्त उसी क्षण दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, कहीं भी। अगर ना बच्चा माँ को आवाज़ लगाता है ना, माँ चाहे कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन भागी दौड़ी चली आती है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, अन्न खाओ, अन्न बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे बच्चे जब कभी कभी फल होते हैं ना, तो फल पहले खाया करो, क्योंकि अन्न से भी ज़्यादा फल काम करते हैं मेरे बच्चे। और तुम्हारे शरीर में फल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी मात्रा बहुत कम हो गई है तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे शरीर में खून की कमी है, जो फल से पूरी होगी मेरे बच्चे, उसे खाया करो मेरे बच्चे, खाया करो। मन मार कर खाओ, कैसे भी खाओ, लेकिन खाओ ज़रूर मेरे बच्चे, खाओ। और सुनो, तुम्हारे घर के पास में एक प्राचीन मंदिर है मेरे बच्चे, बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ पर ज़रूर जाना मेरे बच्चे, वहाँ पर जाना और वहाँ जाकर दीपक प्रज्वलित करना, वहाँ तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, आज गुरुवार है ना, तो आज मेरे मंदिर आना, और 1.25 किलो चीनी और 1 नारियल लेकर ज़रूर आना, और जिस इच्छा के साथ में आओगे ना, वो इच्छा तुम भरकर जाओगे, अपनी झोली भरकर जाओगे मेरे बच्चे, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना नशे की बहुत गंदी लत लग गई है, बहुत गंदी लत है मेरे बच्चे, ये इसे छोड़ दो, वरना मुझे सख्ताई बरतनी होगी, ये सही चीज़ें नहीं है मेरे बच्चे। इसकी वजह से ना तुम्हारा पूरा परिवार परेशान रहता है, सिर्फ इसकी वजह से, तो ये छोड़ दो मेरे बच्चे, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं। खाना है तो अच्छी चीज़ें खाओ, पौष्टिक आहार लो ना मेरे बच्चे,
जो और भी चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने के लिए वो सब करो, सिर्फ ये नशा कर कर अपने आप को सुन रखना, बेहोश रखना, ये क्या अच्छी बात है मेरे बच्चे? बल्कि तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो अपने आप को सुन कर कर, बेहोश कर कर ना। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपना एक एक पल कैसे व्यर्थ कर रहे हो? इस दुनिया में मैंने तुम्हें क्यों भेजा है? वो लक्ष्य तो तुम भूल चुके हो मेरे बच्चे, उसे याद करो और ये सब छोड़ दो मेरे बच्चे। इन सब में कुछ नहीं रखा मेरे बच्चे, कुछ नहीं रखा, इस बात को समझने की कोशिश करो। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी तुम अपने कार्यालय से घर आते हो ना रात के समय, तो अपने जेब में चाहे एक टॉफ़ी ही सही मेरे बच्चे रख कर लेकर आया करो। खाली हाथ मत आया करो मेरे बच्चे, घर पर खाली हाथ नहीं आते। चाहे कुछ ना कुछ लेकर आओ, या कोई फल लेकर आओ, मिठाई लेकर आओ। अगर ये नहीं कर सकते, तुम इसके लिए सक्षम नहीं हो, तो एक टॉफ़ी तो ला सकते हो ना मेरे बच्चे। चाहे कुछ भी करो वो लेके आओ, और जो तुम्हारे घर के बाहर जो पेड़ है ना उसे प्रणाम करके जाया करो, उस पेड़ में मैं वास करता हूँ। और अपनी बच्चियों से विशेष तौर पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जब भी तुम खाना बनाती हो ना, ज़्यादातर तुम फ़ोन पर बात करती हो, ये बहुत गलत बात है मेरी बच्ची। और घर के काम में भी ना तुम फ़ोन लेकर ही 24 घंटे बात करते करते काम करती हो, जो गलत है मेरी बच्ची, गलत है। चलो और काम का तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन खाना बनाते समय तो अपने फ़ोन को नीचे रख दिया करो। उस वक्त तो मेरा भजन कीर्तन, मेरा नाम जाप किया करो। जब तुम खाना बनाती हो ना, तो वो मेरा प्रसाद होता है, और उस प्रसाद में मेरा नाम जाप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो कोई भी खाता है ना, उसमें तुम्हारी ही ऊर्जा जाती है, क्योंकि जिस वक्त भी हम खाना बनाते हैं ना, और खाना बनाने वाले की जो ऊर्जा होती है ना, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वही खाने वाले के अंदर जाती है मेरे बच्चे। इस बात को समझो, और मैं तुम्हें सख्ती से मना कर रहा हूँ कि खाना बनाते समय ना फ़ोन पे बात करोगे, ना किसी और से बात करोगे। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ नाम जाप करोगे, मेरा भजन सुनोगे, समझ गए ना? और जब मेरी उधी तुम्हें मिल चुकी है, तो उसका सेवन क्यों नहीं करते हो? संभाल संभाल कर क्यों रखा हुआ है तुमने? पहले इतनी शिकायतें करते थे कि साई मेरे पास उधी नहीं है, लेकिन अब उधी भिजवा दी तो अब उधी नहीं लेते। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। उधी लिया करो, उधी समय समय पर लेते रहा करो, उधी कभी कम नहीं पड़ेगी। तुम्हारे साई की उधी है ये प्रसाद है साई का, ये कभी कम नहीं पड़ेगा, कभी नहीं। ये तेरे साई का आशीर्वाद है तुझ पर, तेरे साई का प्यार है तुझ पर मेरे बच्चे। तेरे पास कभी उधी की कमी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। और जो तुम्हें परेशानी है ना, वो भी उधी के माध्यम से ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल। और सुनो मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास रखते हैं ना, दृढ़ विश्वास, उन पर हमेशा मेरी कृपा बनी रहती है, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम मुझे स्नान कराते हो, तैयार करते हो ना, तो मुझे काजल लगा दिया करो मेरे बच्चे। तुम्हारे बाबा को नज़र लग जाती है मेरे बच्चे। और आज गुरुवार है, आज के दिन तो स्नान करवा देना। वैसे तुम बहुत व्यस्त रहते हो मेरे बच्चे, आज गुरुवार के दिन ज़रूर करा देना। और जो मेरा स्नान जल होगा ना, उसे अपने घर के कोने कोने में छिड़कना, और उसे ग्रहण भी करना, और अपने परिवार को भी करवाना मेरे बच्चे। जो देखना सबका मन पलट देगा, सबके मन में सकारात्मक ऊर्जा भरेगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।